नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे काफी ऐसे निवेशक हैं, रेगुलर बेस पे मुझे कमेंट आ रहा है कि सर मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है। कुछ निवेशक ऐसे जिनने ऑटो पे इनेबल कर रखा है, कुछ निवेशक ऐसे हैं जो अपनी एसआईपी मैन्युअली पे करते हैं। उनका ये क्वेश्चन है कि सर मेरी एसआईपी है वो मिस हो चुकी है, क्या सर मैं उसको पे कर सकता हूँ या नहीं। तो देखो, आज की वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। आपने आज से पहले यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी कि मिस एसआईपी को कैसे पे करा जाए। आपने ऑलरेडी वहां पे बहुत सारा टाइम खराब करा होगा, फिर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। बस आज की वीडियो 4 से 5 मिनट की होने वाली है, बिल्कुल एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर मैं ये बोल दूं कि आप पे कर सकते हो, तो आप ये बोलोगे कि क्यों पे कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं सीधे सीधे कि पे नहीं कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर पे क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, जिससे आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो भी कंप्लीट दूर हो जाए और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली देखो, पहली चीज तो हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में। अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी क्या होती है, दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी ऑटो पे से और दूसरी होती है आपकी मैन्युअली एसआईपी। अब ऑटो पे के अंदर तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सिलेक्ट कर दी कि हर महीने की 2 तारीख को, 2 तारीख सिलेक्ट कर दी, अब क्या करेगा आपके बैंक से है ना, ऑटोमेटिक जैसे ही 2 तारीख आएगी आपका पैसा कटेगा और आपकी एसआईपी पे हो जाएगी। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाती है कि मान लीजिए कभी अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज गलती आपकी है। लेकिन मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा लगाए, कोई बैंक का ही टेक्निकल एरर आ चुका है, उस वजह से आपकी एसआईपी है वो आपके बैंक से कट नहीं हुई, तो काफी निवेशक को ये लगता है कि सर मेरे बैंक में तो पैसा था, उस कंडीशन में पहली चीज तो बैंक चार्ज लेगा या नहीं, और सेकंड चीज ये है कि सर मेरी जो एसआईपी है मैं उसको वापस से पे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो देखो, पहली चीज तो अगर बैंक की तरफ से कोई टेक्निकल एरर होता है ना, तो सिंपली आप क्या करो, आपकी पासबुक में सारी एंट्री कराओ और बैंक के पास जाओ, देख लीजिए मेरा पर्टिकुलर जितना पैसा पड़ा है, मान लीजिए 500 रुपए की एसआईपी है, अगर आपके बैंक में 1000 रुपए पड़े हैं एसआईपी की डेट से पहले और एसआईपी की डेट के बाद तक, तो कंप्लीट आप बैंक में जाके दिखाओ, तो आपको जो पैसा कटा है, बैंक ने चार्ज काटा है, वो चार्ज भी क्या होगा, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो चार्ज लगेगा। अब बात आती है कि सर जो एसआईपी हमारी मिस हो गई है, जो कटी नहीं है, उसको हम पे कर सकते हैं या नहीं। तो पहली चीज तो ये है, अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है या मैन्युअली एसआईपी कर रहे हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपकी एसआईपी है वो मिस हो गई तो आप उसको पे कर सकते हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गई, क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी एसआईपी की डेट है 2 तारीख की, अब क्या होता है अगर मैन्युअली एसआईपी पे कर रहे हो तो यहाँ पे 3-4 दिन का आपको टाइम मिलता है, जिसमें इजीली आप मार्केट का एनालिसिस करके पे कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने देखा ही नहीं कि भैया मेरी इंस्टॉलमेंट की डेट है, वो क्या हो गई, आपकी इंस्टॉलमेंट है वो फेल्ड हो गई। अब निवेशक को क्या लगता है कि भैया मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो तो फेल्ड हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 500 रुपए की एसआईपी थी। अब निवेशक क्या सोचते हैं, मैं 500 रुपए की है ना उसी फंड के अंदर जाके वापस से एसआईपी कर देता हूं, जिससे क्या होगा मेरा इस महीने की जो फेल्ड एसआईपी है ना वो पे हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर इस तरीके से करोगे ना तो 500 रुपए की आपकी नई एसआईपी क्रिएट हो जाएगी। आप ऐसा नहीं है कि आपकी जो एसआईपी है जो मिस हो गई है वो पे होगी, वो तो पे नहीं होगी, लेकिन आपकी नई एसआईपी है वो क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको हर महीने वो अलग से जो एसआईपी है वो भी पे करने पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या, सीधा सा ऑप्शन ये है, मान लीजिए 500 रुपए की एसआईपी है, आपका ध्यान नहीं रहा, आपकी एसआईपी मिस हो गई, तो नेक्स्ट मंथ की जो भी इंस्टॉलमेंट है ना आप उसको क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। जैसे 500 रुपए की आपकी एसआईपी है तो जो नेक्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट है ना उसको 500 की जगह इंक्रीज करके 1000 रुपए कर दो, जिससे क्या होगा आपका जो लास्ट मंथ जो आपकी एसआईपी मिस हुई है वो आपके नेक्स्ट मंथ में क्या होगी, मैनेज हो जाएगा कंप्लीट अमाउंट, और आपको दिक्कत परेशानी भी वहां पे नहीं आएगी। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इस तरीके की गलती करोगे, एसआईपी मिस हुई उसी टाइम आपने नई एसआईपी कर दी, तो क्या होगा उसमें आपका पैसा ऐड नहीं होगा बल्कि नई एसआईपी क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके की दिक्कत परेशानी आती है और म्यूचुअल फंड में मिस एसआईपी को पे करने का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे कोई सा भी ब्रोकर ऐप हो, चाहे एएमसी की वेबसाइट हो, चाहे A to Z किसी भी ब्रोकर ऐप से आप निवेश करो, यहाँ पे मिस एसआईपी को पे करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।